शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आइए आज हम ये न्यूली बॉर्न बेबी का जो सेट बनता है ऊनी, उसमें ये मोज़ा सॉक्स कैसे बनाएं, बूटी जो भी आप कहिए इसको, ये सबसे छोटा साइज़ है, इसको हम देखेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले फंदे डालकर ये थोड़ा सा बुन लिया है। ये जो डिज़ाइन का हमारा वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फंदे कैसे डालें इसका भी हमारा एक वीडियो है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये फंदे डालने के बाद हम यहाँ पर जितनी आपकी इच्छा है हम कुछ सलाइयाँ बॉर्डर की बुन लेंगे। जैसे यहाँ पर ये 6 सलाइयाँ बुनी हैं, ये आपकी इच्छा है, आप जैसा भी बुनना चाहें। और इसको हमने लगभग 2-2.5 इंच के करीब हम बुन सकते हैं, 2 इंच भी काफ़ी रहता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन में जाली डालना चाहते हैं ये डोरी डालने के लिए। तो हम पहले आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो जाली डालने के लिए आप अंदाज से आपकी जैसी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 2 फंदे साइड में बुने, ये ऊन आगे ली और ये अगले 2 फंदों को जोड़ा बनाया, इससे हमारी जाली बन जाती है। अब फिर 2 फंदे और बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे और फिर ये 2 का जोड़ा बना देंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई में ये जाली डालेंगे, 2 फंदे बुने, ऊन आगे लाए और ये 2 का जोड़ा बुना। इसमें हम डोरी डालने वाले हैं। ये हमने अपनी सिलाई पूरी करी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप और दूरी पर भी डालना चाहते हैं जाली तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें हमने हमारे डिज़ाइन में 11 के गुणा से फंदे चाहिए थे, इसलिए हमने यहाँ पर 33 फंदे लिए हैं। आप 30 से 35 फंदों के बीच में ले सकते हैं। और ये 10 नंबर की सिलाई से हम बुन रहे हैं, तो सिलाई और ऊन के हिसाब से थोड़ा सा फंदों का हमें हिसाब देखना पड़ता है, कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। अब ये जो उल्टी सिलाई है इसको तो हम पूरा उल्टा ही बुनने वाले हैं और फिर सीधी सिलाई से हम बढ़ाने का काम शुरू करेंगे। ये मोज़ा बुनने के समय आप ऊपर से प्लेन भी बुन सकते हैं या आपके स्वेटर का जो सेट का डिज़ाइन है वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है ऐसे। अब हमारे 33 फंदे हैं तो हमको बीच में पहुंचना है, इन फंदों को हम सीधा बुनते हुए सेंटर में पहुंचेंगे। 16 फंदे 16 स्टिचेस इस साइड में हैं और 17 स्टिचेस इस साइड में हैं। ये बीच का एक हमारा सेंटर का फंदा है ये वाला। अगर इसको हम अलग कर दें तो दोनों तरफ 16 16 16 16 फंदे दोनों तरफ हैं। अब इस बीच के फंदे के दोनों तरफ हम फंदे बढ़ाएंगे और हम जाली डालकर बढ़ा रहे हैं अभी, तो इसलिए इस ऊन को हम अंदर लाते हैं और इस फंदे को बुनते हैं, फिर इस ऊन को अंदर लाते हैं और इस फंदे को बुनते हैं। इस तरह से बीच में सेंटर में हमारे 2 फंदे बढ़ जाते हैं, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ। इस तरह से ये हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। अगर हम चाहें तो ये बिना जाली के भी फंदे बढ़ा सकते हैं, जैसे एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा सेंटर का फंदा है, अब इसके दोनों तरफ हमको बढ़ाना है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं फंदा बढ़ाने के, एक सबसे आसान तरीका है, ये मैंने फंदा बढ़ा दिया, ये मैंने लिया और इसको यहाँ पर इस तरह से कर दिया और इस वाले सेंटर वाले फंदे को बुना और फिर बाद में यहाँ पर एक इस तरह से कर दिया, तो ये बिना जाली के भी फंदा बढ़ जाएगा। और आगे भी हमको इसी तरह से इस सेंटर वाले फंदे की हमको पहचान रखनी है, लेकिन अभी हम यहाँ पर जाली डालकर फंदा बढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए हम इसको, ये ऊन हम अंदर की तरफ लाए, इसको बुना सेंटर के फंदे को, बीच के फंदे को, फिर ऊन अंदर की तरफ लाए और फिर इसको बुना। इस तरह से हम
आगे की पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई में हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल साधारण सारे फंदों को उल्टा बुनना है। इसी तरह से सीधी सिलाई में, हर सीधी सिलाई में हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब कितने बढ़ाने हैं फंदे, ये हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा छोटा है, पतली ऊन है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज कर सकते हैं ऊन के हिसाब से। तो इसमें अगर हम देखें 8 बार के करीब इसमें बढ़ाए गए हैं, लेकिन ऊन पतली होने से ये छोटा हुआ और ये थोड़ी सी मोटी ऊन है। इसमें देखिए, इसमें भी लगभग 8-9 बार बढ़ाए गए हैं और ये थोड़ा सा बड़ा है। ये साइज़ 6 महीने तक के बच्चे के लिए काफ़ी ठीक रहता है, इससे ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बनाना भी हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे सुंदर सा ये बनाएं डोरी के दोनों तरफ। ये 9 बार जाली डालते हुए 9 सीधी सलाइयों में हमने जाली डाली, 9 टाइम्स हमने डाली है। उल्टी सिलाई में हमने सिंपल प्लेन उल्टी बुनी थी उसको, और अब हम ये यहाँ पर आ गए हैं। ये हमने बुन के सेंटर तक पहुँच गए हैं। इस तरह से इसको हम बंद करेंगे और ये हमारा मोज़ा तैयार हो जाएगा बनकर। अब हमारा एक फंदा ये एक्स्ट्रा है, इवन फंदे नहीं हैं, समान नहीं हैं। तो या तो हम इसको 2 का 1 कर लेते हैं इस तरह से, जैसे कि ये लास्ट में हम आए हैं और यहाँ पर हम इसको 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 का 1 हो गया। अब हम इनको आधे आधे हो गए, अब हमारे ये इवन फंदे हैं दोनों तरफ, और अब हम इनको बंद करेंगे। ये बंद करने का तरीका भी बेहद ही आसान है। वैसे यहाँ पर सुई से भी बंद किए जाते हैं फंदे, लेकिन बहुत सी बहनों को वो सुविधा नहीं है, इसलिए हम इसी तरह से बंद करके दिखा रहे हैं। दोनों सिलाइयों पर से हमने एक एक फंदे को बुना है। फिर दोबारा हम एक आगे वाली सिलाई से, एक पीछे वाली सिलाई से 2 फंदों को लिया हमने, इन दोनों में ऊन डालकर इसको बुना हमने इस तरह से, और इसको दूसरे के ऊपर से उतार दिया। फिर से एक बार देखिए, ये आगे वाली एक फंदे को लिया, पीछे वाले एक फंदे को लिया, दोनों सिलाई में से एक एक फंदे को लेकर अब उसको ये इकट्ठा बुन दिया हमने एक साथ, और फिर इसको इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से ये सारे फंदे बंद करे जाएंगे। ये हमारा आखिरी फंदा हुआ, इसको हमने इस तरह से बंद किया, इसको खींचेंगे और फिर इसमें से इस ऊन को निकालेंगे। अगर हमारे पास सिलने के लिए ऊन नहीं है तो यहाँ पर हम ज़्यादा ऊन ले सकते हैं और उसी से हम सिलाई करेंगे। अभी मेरे पास दूसरी तरफ जहाँ फंदे डाले थे वहाँ पर ऊन है, तो देखिए कितना सुंदर सा ये मोज़ा बनकर तैयार है। और अभी हम इस ऊन से इसकी सिलाई करेंगे और यहाँ पर हम डोरी डालेंगे। ये सिलने के समय कुछ बहनें अंदर से भी सिलती हैं, आपकी जैसी प्रैक्टिस है आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रंट से एक बार सिलकर देखेंगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। इसमें हम थोड़ा सा बस डिज़ाइन को ध्यान दिलाते जाते हैं, मैच करते जाते हैं, तो इससे यहाँ पर ये बहुत ही ठीक रहता है, एकदम दोनों किनारियाँ अच्छे से मैच कर जाती हैं, तो वो गुथा गुथा सा नहीं आता है। इस तरह से ये हम इसको सिल रहे हैं। ये जो किनारों पर ऊन के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, इसको भी हम सुई की मदद से अगर छिपाते हैं तो हमारी चीज़ बहुत ही सुंदर रहती है, उसकी शोभा अच्छी लगती है, सुंदर लगता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि थोड़ा सफाई से इन ऊन को छिपाएं और फिर इसको आप काट सकते हैं। हमारा एक वीडियो है कि ऊनी वस्त्रों की अच्छी सिलाई कैसे करें, वो सब आप देखिए। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे बहुत अच्छे वीडियो हैं उनको देखें। अब ये हमारा, ये हमने डोरी बनाई है, चेन के साथ बना के रखी है, एक तरफ से फूल बना लिया है
और दूसरी तरफ हमने ऊन छोड़ी हुई है, इसको हम इसमें पिरोएंगे और फिर दूसरी तरफ हम ये आपको बनाकर दिखाएंगे। अभी ये हमने जो छेद बनाए थे, जाली डाली थी, उसमें हमने इस डोरी को पिरो लिया है। और अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ इस फूल को बनाने वाले हैं। तो इसके लिए अभी ये हमने 50-55 चेन बनाई थी, आप 55-60 कुछ भी चेन बना सकते हैं। ये हम यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। ये गोला बनाया हमने, इसको इस तरह से बंद किया, दो या तीन चेन ली हमने, यहाँ पर तीन ले लेते हैं। अब इस गोले के अंदर हमको ये चावल भरने हैं, जिसको डबल क्रोशिया कहते हैं। ये हमने दो भरे, अब हमने इसको पकड़ लिया, जो हमारा गोला है, रिंग है, और इसमें हम इस तरह से ये भरते चले जाएंगे। 10 बार है डबल क्रोशिया या चावल इसमें आ जाते हैं। जब आपको लगे कि हाँ ठीक से हो गया है तो उसको आप फिर बंद कर देंगे। बस इसी तरह से ये हमारा सुंदर सा एक फूल बन के तैयार हो जाता है। और ये अभी हम एक बार और बना लेते हैं। ये आए लास्ट में, हम आकर यहाँ पहले वाले के साथ इसको मिलाकर जोड़ा और इसको ये निकाल के खींच दिया, और इसको भी हम सुई से छिपा देंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।